नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट, और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की खास जैकेट की, जिसकी इन दिनों बाजार में बड़ी चर्चा हो रही है। प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल करके बनाए जैकेट की बढ़ रही डिमांड, देश की नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ती जा रही इस जैकेट की डिमांड। पश्चिमी एशिया और यूरोप के कई देश दे रहे निर्माता कंपनी को जैकेट बनाने के ऑर्डर। पीएम मोदी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में पहन चुके हैं ऐसी एक खास जैकेट। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान भी ये जैकेट पहनी। तमिलनाडु के करूर शहर की एक कंपनी ने तैयार की है ये जैकेट। पीईटी बोतलों को रिसाइकिल कर वस्त्रों का निर्माण करती है श्री रेंगा पॉलीमर्स, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस जैकेट का इस्तेमाल किया, उसके बाद न सिर्फ इस जैकेट का प्रचार प्रसार बढ़ा है बल्कि इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और ये एक बेहतरीन संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया कि रिसाइकिल करने के बाद आप इस तरीके के परिधानों का इस्तेमाल करें जो लोगों में चर्चा का विषय बने, और इससे पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सके। और बात करते हैं गहलोत सरकार के गुड गवर्नेंस की। बजट घोषणाओं की क्रियान्वित पर मुख्यमंत्री गहलोत का फोकस। स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर द्वितीय का गठन किया गया। पूर्व गठित स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर के नाम से परिवर्तन होगा। स्थायी लोक अदालत के गठन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट को मंजूरी दे दी है। साथ ही वाल्मीकि कोष के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए बजट की स्वीकृति कर दी। 22 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से आधुनिक और सुविधा युक्त छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर में नवीन स्वच्छ कार छात्रावास भवनों का निर्माण होगा। तो गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस। विश्व प्रसिद्ध सांवर झील का विकास किया जाएगा। 2800 हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास और वृक्षारोपण किया जाएगा। ग्रासलैंड और वेटलैंड विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई। 22 वन मंडलों में 7800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चारागाह विकास होगा। वृक्षारोपण कार्यों के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। सामर झील के विकास और प्रबंधन के लिए 9 करोड़ की मंजूरी दी गई है। कोटा कनवास रेंज के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सिंची क्षेत्र के किसानों के लिए गहलोत सरकार का तोहफा। जैसलमेर और बीकानेर में नहर वितरिकाएं होंगी मजबूत। मुख्यमंत्री गहलोत ने नहरों के लिए 75 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। बीकानेर के कमरसेन लिफ्ट की वैद्य मघाराम वितरिका में जीर्णोद्वार होगा। 25 करोड़ रुपए की लागत से नहर का जीर्णोद्वार कार्य किया जाएगा, और इस वितरिका से लूणकरणसर खाजूवाला का 8621 हेक्टेयर सिंची क्षेत्र 2023-24 में 10 करोड़ और 2024-25 में 15 करोड़ रुपए खर्च हो। जैसलमेर में सागरमल गोपा शाखा की मुख्य नहर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्य नहर और नहर के स्ट्रक्चर पर सुधार कार्य किए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय में बड़ा फेरबदल। 50 अफसरों को किया डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त। 17 IRS और IPS अफसरों को उपनिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ED, CBDT, CBIC में काम कर रहे 33 अधिकारी असिस्टेंट डायरेक्टर बने। लेवल 10 पर कार्यरत अधिकारियों को सहायक निदेशक बनाया गया। वहीं वरिष्ठ IPS राहुल शर्मा CBI में DIG नियुक्त किए जाएंगे। हरियाणा कैडर के 2009 बैच के IPS अधिकारी हैं राहुल शर्मा। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे वरिष्ठ IPS राहुल शर्मा की, जिनको CBI में DIG नियुक्त किया गया। हरियाणा कैडर के 2009 बैच के IPS अधिकारी हैं राहुल शर्मा। राहुल शर्मा को 5 साल की अवधि के लिए CBI में शामिल किया गया। पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात 4 अफसरों को पदोन्नत किया गया है। अमनजीत कौर, निर्मल देवी, अभिनव खरे और अशोक कुमार DIG बने हैं। अमनजीत कौर, निर्मल देवी और अभिनव खरे 2009 बैच के IPS अधिकारी हैं, जबकि अगर बात करते हैं अशोक कुमार की
तो अशोक कुमार भारतीय राजस्व सेवा के 2006 बैच के अधिकारी। एडीजी होंगे पीएम की सुरक्षा संभालने वाले बल के प्रमुख। विशेष सुरक्षा दल की कमान अब एडीजी स्तर का आईपीएस अफसर संभालेगा। अभी तक की बात की जाए तो अभी तक महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा एसपीजी का नेतृत्व किया जाता था। कनिष्ठ अधिकारियों को 6 साल के प्राथमिक अवधि के लिए डेपुटेशन पर लिया जाता था। गृह मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ये मानक तय किया गया। एसपीजी अधिनियम 1988 और कहीं तो 1988 का 34 इसके तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से तय किया जाता। पहले की तरह राजधानी दिल्ली में ही रहेगा विशेष सुरक्षा दल का मुख्यालय। और बात करते हैं द वीक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के छपे इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में कहा गया है कि भारत अब पश्चिमी शैली का लोकतंत्र नहीं रहा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार पर बार बार प्रहार हुआ है, करारा प्रहार हुआ है। मोदी के 9 सालों के कार्यकाल में अमृतकाल का अनुभव हो रहा है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए, वो कह रहे हैं कि विकास हर क्षेत्र में हुआ है। भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। व्यापार और रहन सहन आसान बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। अब कैसे होगा के बजाय कैसे नहीं होगा, इस पर फोकस किया जा रहा है। वहीं आउटलुक में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू छपा है। यशवंत सिन्हा जो एक दौर में बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन वो अभी बीजेपी से अलग है। वो लिखते हैं कि विपक्षी एकता के पचड़े में पड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 200 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। इन सीटों में से पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज 4 से 5 ही सीटें मिली थी, यानी 2 से 2.5%। फर्क तब पड़ेगा जब बीजेपी इनमें से कम 100 सीटें हार जाए। पिछले नतीजे रिपीट हुए तो फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। कोई भी बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोक नहीं सकता। ऐसे में कांग्रेस ही है बीजेपी को हराने की मुख्य जिम्मेदारी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिंह। और अब बात करते हैं फायर ब्रांड तृणमूल नेता मदन मित्रा की, जिन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। एक प्रमुख अस्पताल में एक मरीज को भर्ती नहीं करने पर हंगामा किया गया। जब कहा गया कि आप अपनी ही सरकार पर भड़क रहे हैं, तो मदन मित्रा ने कहा, मैं अनपढ़ नहीं हूं, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, वैसे भी एक विधायक का वेतन ही कितना है। अगले दिन मित्रा ने कहा, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने मदन मित्रा को फोन किया था। मुख्यमंत्री ममता का फोन सुनकर मदन मित्रा की स्वर बदल। वाम पंथ आपने सुना है, दक्षिण पंथ आपने सुना है, और इन दोनों के बीच में तेदेपा नेता चंद्रबाबू नायडू फंसे हुए हैं। बीजेपी और माकपा के नेता कभी एक मंच पर दिखाई नहीं देते, लेकिन हैदराबाद में एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम के अंदर दोनों नेता एक साथ बैठे नजर आए। नायडू के दाई तरफ थे बंजारू दत्तात्रेय और बाई तरफ थे सीताराम येचुरी। इस समय हरियाणा के राज्यपाल हैं पूर्व बीजेपी नेता बंजारू दत्तात्रेय और माकपा के बड़े नेता हैं सीताराम येचुरी। नायडू ने 2009 में माकपा से और 2014 में बीजेपी से तालमेल किया। और अब बात करते हैं द वीक की कवर स्टोरी की। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे, 10वां साल शुरू हुआ। इस कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार के 10 मील के पत्थर हैं। और ये 10 मील के पत्थर क्या हैं? इनका जिक्र हम भी करते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा माइलस्टोन है वो है 47 करोड़ 80 लाख जनधन खाते खोल देना। देश के अंदर लगभग 50% जनधन खाते खोल देना। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना और आज पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है और यह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ। इसके अलावा
स्वच्छ भारत योजना के तहत 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक, कोविड 19 टीकाकरण, धारा 370 का खात्मा, हाईवे, मोटरवेज, नई ट्रेनें, नए एयरपोर्ट का निर्माण। और इसके अलावा जो माइलस्टोन है वो पूरा हिंदुस्तान याद रखता है। माइलस्टोन है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना से जोड़ देना, अप्रैल में अब तक सबसे ज्यादा 1,87,000 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन कर दिया। नकल गिरोह का मुख्य सरगना तुलचाराम गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात ट्रेडिशनल पुलिसिंग से बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नागौर से दस्तियाब कर देर रात पुलिस की टीम पहुंची बीकानेर। एएसपी सिटी हरीश शंकर के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया। नोखा एसएचओ ईश्वर और कांस्टेबल रामनिवास की इसमें अहम भूमिका रही। परीक्षाओं में नकल से जुड़े कई मामलों का मुख्य आरोपी है तुलचाराम। शातिर तुलचाराम मोबाइल से दूर रहकर सोता था चारपाई के नीचे। अब कई नकल से जुड़े प्रकरणों में तुलचाराम से गहन पूछताछ की गई और लोग तो यहां तक कहते हैं कि ऐसा कोई परीक्षा में बचा नहीं जिसको तुलचाराम ने ठकरा दिया। देश में इस साल मानसून सामान्य रहने की पूरी पूरी संभावना है। मानसून के 1 जून से पहले केरल पहुंचने की संभावना नहीं। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून को केरल के तट से टकराएगा मानसून। इसका मतलब यह कि राजस्थान में 29 जून के आसपास मानसून सक्रिय होता नजर आएगा, क्योंकि केरल के तट से राजस्थान में आने में लगभग 24 से 25 दिन लगते हैं। अरब सागर में अगले सप्ताह किसी तूफान की संभावना भी नहीं है। लॉन्ग पीरियड एवरेज में 96 से 104% बारिश की उम्मीद है। अभी के हिसाब से उत्तर पश्चिमी भारत में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पूरे मानसून के दौरान 92% बारिश के आसार है, लेकिन जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टरबेंस के दौरान बारिश हो रही है, प्री मानसून होगी क्या, उसके जरिए जो कम बारिश हो रही है उसकी भरपाई की जा सकती है। संपत्ति मामले में भंवर जितेंद्र सिंह को बूंदी की अदालत से राहत मिली है। बूंदी जिला जज ने गैर जमानती वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि CJM ने यह वारंट जारी कर दिया। बूंदी राजघराने की संपत्ति को लेकर मुकदमा चल रहा है। CJM बूंदी ने 18 नवंबर 2021 को जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। भंवर जितेंद्र सिंह के ससुर विजेंद्र सिंह और बूंदी के पूर्व जिला प्रमुख श्रीनाथ सिंह हाडा के खिलाफ भी वारंट जारी किया। भंवर जितेंद्र सिंह ने CJM बूंदी की अदालत में अपील की थी और वहां से अब उनको राहत। 21 देशों के निवेशकों को भारत में एंजल टैक्स से माफी मिल गई। 21 देशों के सोवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड इसमें शामिल हैं। इन देशों के लोगों के भारत में निवेश पर एंजल टैक्स माफ कर दिया गया और ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने अधिसूचना जारी करके जानकारी। इनमें जो प्रमुख है वो मॉरिशियस है, सिंगापुर है और इसके साथ 21 देश शामिल हैं जिनको अब एंजल टैक्स नहीं देना। भारत आएंगे कंबोडिया के राजा। 29 से 31 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे नोरोडोम सियामोम। 6 दशक के बाद होगी किसी कंबोडिया शासक का भारत के अंदर आगमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से वो मुलाकात करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे नोरोडोम सिया मोनी। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर से सोना पकड़ा गया है। 2 किलो 200 ग्राम सोने के साथ चुरू के अनिल को दबोच लिया गया। कस्टम अधिकारियों की नजर से बच निकला था अनिल। कल दुबई की फ्लाइट से जयपुर पहुंचा था अनिल मेघवाल। हैंडबैग में दुबई से एक छड़ी में डाल लाया था सोना। सूचना पर पुलिस ने एयरपोर्ट के बाहर खड़े किए थे जवान। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही पुलिस ने अनिल को दबोच लिया। अनिल को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश मिश्रोई ने ये जानकारी दी। पुणे में चीतों की मौत के केंद्र सरकार चिंतित है। पुनर्वास परियोजना की निगरानी के लिए समिति का गठन किया गया है। 11 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया। ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल की अध्यक्षता में समिति बनी। समिति को इको टूरिज्म के लिए चीता आवास खोलने पर सुझाव देने को कहा गया है। पिछले 2 महीने के भीतर पुणे में 6 चीतों की मौत हो चुकी है और ये वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से पुणे में चीतों को बसाया गया था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पुणे में चीतों की संख्या बढ़ेगी, प्रजनन होगा और वो माहौल उनको मिल पाएगा जिसके अंदर वो आसानी से जीवित रह सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा वहां पर चीतों की मौत होने लगी। बीते 2 महीने में 6 चीतों की मौत हो चुकी है और यही वजह है कि अब पुनर्वास परियोजना की निगरानी के लिए समिति का गठन किया गया है। 11 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई जिस तरीके से आप लाकर इनको यहाँ बसा रहे हैं, अगर वो जीवित ही नहीं तो इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, क्या इनको यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाना चाहिए, और इसी के लिए भी समिति बनाई गई। ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल की अध्यक्षता में समिति बनी है और समिति को इको टूरिज्म के लिए चीता आवास खोलने पर सुझाव देने को कहा गया और उसके पीछे की बड़ी वजह सिर्फ वही कि 2 महीने के भीतर पुणे में 6 चीतों की मौत हो चुकी।